हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी परिस्ते किचन में आपका वेलकम है गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिनर की रेसिपी, मटर की दाल। यदि आप गाइस सोच रहे हैं कि मैं मटर का क्या बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ या आलू की सब्जी बनाऊँ, तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाइए जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है ये मटर, ये करीब 1.5 कप के मटर हैं। और इसके लिए फिर हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए ये देखिए गाइस, मैं सबसे पहले लूँगी 2 मिर्च, अदरक, लहसुन, इन सबका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने 2 प्याज है जिसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। तो चलिए फिर आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये इतने मटर हैं और ये वाले मटर। तो पहले मैं इतने मटरों का एक मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी और थोड़े से मटर मैं बचा लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मटर है जो हमारे काफ़ी अच्छे से पिस चुके हैं। नीचे का तो अच्छे से पिस चुका है, लेकिन ऊपर का मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, क्योंकि खाने में आधे पीसे और इस तरह से थोड़े से मटर डालने सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये कुकर चढ़ाया है, उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ। और तेल हमारा हल्का सा अच्छे से गर्म भी हो चुका है, तो बस हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरे। ये देखिए, इस तरह से जीरे थोड़े से तड़कने लगेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 लौंग। ये साबुत लौंग है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कूट के भी डाल सकते हैं या इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 तेज़ पत्ते। जब ये हल्के से अच्छे से गर्म हो जाएं, हल्की सी अच्छी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें डालेंगे मटर जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। मटर हम सिर्फ पिसे हुए मटर डालेंगे, दरदरे मटर अभी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, जो मैंने पीस लिया था वो वाले मटर हम इसमें डाल देंगे। और आधे जो मैंने दरदरे मटर रखे हैं और जो नहीं पीसे हैं, उनको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद जो मिक्सी में थोड़ा बहुत जो मटर हमारा रह जाता है ना, प्यूरी रह जाता है, उसमें हम पानी डाल के हम उसको भी डाल देंगे इसमें, और अच्छे से हल्का सा चला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा चला लेंगे, जिससे जो है मटर का कच्चापन हल्का सा निकल जाए। थोड़ा सा हम इनको भूंज लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, और पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 ग्लास के करीब ही हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जब हम इसका तड़का लगाएंगे तो ग्रेवी के लिए हम पानी अलग से और थोड़ा सा डालेंगे उसमें, तो इसलिए अभी हम कम पानी डालेंगे। बस इतना ही पानी डालना है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चलाएंगे और हल्का सा ज़रा सा नमक डालेंगे। नमक अभी हम पूरा स्वाद अनुसार नहीं डालेंगे, हल्का सा डालेंगे, जिससे जो हमारे मटर हैं अच्छे से और उसमें एक उबाल आ जाए, अच्छे से गल हो जाए। तो ये देखिए, इसके बाद हम इसमें इसका ढक्कन लगा देंगे, और इस तरह से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 सीटी आने तक बस हम इसको उबाल देंगे। तो ये देखिए, अब हमने तड़का तैयार करना है। तो तड़का डालने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच बटर डाला है, और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, 1 चम्मच के करीब हम ऑयल और डालेंगे इसमें। बस हल्का सा बटर है जो हमारा पूरा अच्छे से मैश हो जाए, और तेल भी हल्का सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा तेज कर देंगे, और उसके बाद मैंने इसमें हींग डाल दी हूँ। हींग भी ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 1 पिंच हींग डालेंगे, लेकिन इसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। हींग आप सब्ज़ी में ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से जीरे और हींग हैं अच्छे से काफ़ी गर्म हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और हल्का सा अच्छे से भूंज लेंगे, जिससे अदरक है लहसुन है अच्छे से इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक अच्छे से भूनना है इनको। और यदि आप बटर यूज़ ना करना चाहें तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटर डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और दोगुना बढ़ जाता है। तो देखिए, इस तरह से हल्का सा लहसुन और जो अदरक है इनको हम भूंज लेंगे, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से अदरक है काफ़ी अच्छे से भून चुकी है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। इसके बाद हम इसका आगे का मसाला डालेंगे इसमें। तो जो हमने प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया था,
मैंने दो प्याज ग्राइंड की थी, हम वो भी डाल देंगे इसमें। और फिर प्याज को भी अच्छे से भूनना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आप एक बार ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप जो 7 दिन की जो आप रेसिपी बताते हैं ना कि 7 दिन में आज ये बनाना है, तो आप ये वाली रेसिपी जरूर एक बार ट्राई कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम प्याज है अच्छे से भून देंगे। प्याज हमारी काफ़ी अच्छे से भून चुकी है, ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसके बाद हम इसमें आगे के मसाले डालेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च। लाल मिर्च 1/2 चम्मच डालेंगे, क्योंकि मैंने हरी मिर्च है टमाटर के साथ उसको ग्राइंड कर लिया था। यदि आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिर्ची का टेस्ट आप और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए, और गैस का फ्लेम हम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, ये नहीं तो हमारे मसाले हैं ना जो जलने लगेंगे। इस तरह से ये देखिए काफ़ी अच्छे से मसाले हमारे भून चुके हैं। गैस का फ्लेम हम थोड़ा धीमी रखेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसमें मैंने मिर्ची और टमाटर हैं दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, हम वो भी इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मिक्सर में पानी डाल के हम वो भी डाल देंगे इसमें। वो बस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से मसाला अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर, और हमारे जो मटर हैं वो इसमें भी 2 सीटी आ चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और थोड़ा सा मटर का है जो ढक्कन खुल जाएगा तो वह हम उसमें वो भी डाल देंगे इसमें। देखिए मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। याद रखिए थोड़ा सा कम ही डालेंगे, क्योंकि हमने जो कुकर चढ़ाया था तब हमने नमक डाल दिया था उसमें, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे। और बस मसाले को खूब अच्छे से भूनना है। मसाला भूनते से ही आप नमक डालिए, इससे क्या होता है जो मसाला है हमारा काफ़ी अच्छे से भुन जाता है और जल्दी भूनता है। ये देखिए इस तरह से मसाला अच्छे से भून रहा है। इसके बाद मसाला भून गया है, इसमें हम डाल देंगे मटर जो हमने कुकर में एक उबाल दिया था ना, बस उसी को हम डाल देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हमारा जो मटर है वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें जो हमने दरदरा मटर बचाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अच्छे से इसमें 2 उबाल आने तक हमें मटर को बिल्कुल चलाते रहना है। इस तरह से जो मटर है मसाले ही अच्छे से भुन जाएंगे। मुश्किल से इसे 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में हमारी टेस्टी रेसिपी तैयार हो जाती है। ये देखिए मटर की दाल, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं आपके लिए और क्या बनाऊँ। ये देखिए इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूँगी, जिससे सब्ज़ी में अच्छे से उबाल आ जाए। तो ये देखिए गाइस सब्ज़ी में अच्छे से उबाल आ गई है, और सब्ज़ी जो हमारी काफ़ी अच्छे से थिक हो चुकी है ना, यम्मी लग रही है ना बिल्कुल मटर की दाल। सब्ज़ी हमारी काफ़ी अच्छी उबल चुकी है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला, ये पिसा गरम मसाला है। इसे मैं बाद में डालती हूँ, इससे क्या होता है सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और गरम मसाले का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और फिर हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया, क्योंकि धनिया के बगैर तो हमारी सब्ज़ी कंप्लीट ही नहीं होती यार, इसलिए हम इसमें आखिरी हम डालेंगे धनिया। और धनिया तो अच्छे से धो कर ही डालिए। तो बस इस तरह से सब्ज़ी है, हम अच्छे से चला देंगे इसको। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट बिल्कुल सब्ज़ी तैयार है, मटर की दाल की रेसिपी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ठीक हो गई है, थोड़ा सा अच्छा सा उबाल देंगे। बस इस तरह से गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे, जिससे अच्छे से एक उबाल आएगी और हम गैस का फ्लेम फिर बंद कर देंगे।
बस हमारी सब्जी तैयार है। ये देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल रेसिपी बताती हूँ हर सब्जियों की, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए गाइस, इस तरह से मेरी सब्जी ठंडी होने पर कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी लग रही है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।